प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदर आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है भूत द हंटेड शिप। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस पिक्चर आपने काफी ऐसे हॉरर पिक्चर देखे होंगे हिंदी में एक ही नाम पे, भूत भूत नाम पे, पर जैसे इस पिक्चर के ट्रेलर में कुछ अजीब सा आपको देखने को मिलता है। जबकि घर हमेशा एक पिक्चर में या पिक्चर के ट्रेलर को देखने में मिले एक बड़ा सा बंगला होता है जिसे भूत बंगला कहा जाता है, या तो फिर एक घर होता है, बस उसमें आपको एक सस्पेंस और ऐसा दिखाया जाता है। जैसे इस पिक्चर में डायरेक्टर ने कुछ अलग डायरेक्ट किया है, कुछ अलग दिखाया गया है। जैसे इस पिक्चर के डायरेक्टर जो है भानु प्रताप सिंह, जो धर्मा प्रोडक्शन बैनर में रिलीज होने वाली है 21 तारीख को फरवरी 2020 में, ये महीने ही। बाकी इस पिक्चर में डायरेक्टर ने कुछ अलग सोचा है, वो है जहाज शिप में इन्होंने पूरी शूटिंग में ली है। दरअसल पिक्चर की पूरी शूटिंग मुंबई में लिया गया है और पूरी शूटिंग जो है एक जहाज में लिया गया है। बस शुरुआत से लेकर अंत तक जहाज में दिखाते हैं कि एक सस्पेंस की तरह दिखाते हैं, एक हॉरर की तरह दिखाते हैं। इस पिक्चर में जो लीड रोल कर रहे हैं, जो हीरो के रोल कर रहे हैं, वो है विकी कौशल, जो काफी अच्छे एक्टर है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते एक अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। और इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रही है वह भूमि बांदेकर, और सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पर जो एक्टिंग कर रहे हैं आशुतोष राणा, जो काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर है। बाकी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, एक हॉरर दिखाया गया, एक अचानक एकदम सस्पेंस दिखाया गया, एक अचानक एक डरावनी दिखाया गया है। आपको काफी पिक्चर में देखने को मिलता है, इस पिक्चर में ऐसे दिखाया है। अगर आपको कुछ इस ट्रेलर में आपको अलग से देखने मिलता है वो है जहाज, और कुछ खास नहीं है, बल्कि वही कॉन्सेप्ट है कि डराना है हॉरर पिक्चर के तौर में। बस ट्रेलर में तो बस आपको देखने को मिलता है, मुझे तो ट्रेलर कुछ अच्छा लगा। ठीक है, देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी 21 तारीख फरवरी में, तो पता चलेगा कि पिक्चर कैसा है, कि वाकई आपको डर लगता है या तो फिर डराने की कोशिश की गई है। बाकी ट्रेलर काफी अच्छा है, देखते हैं जब रिलीज होंगे तो पता चलेगा कि पिक्चर कैसा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रूबरू में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको रूबरू खबर होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।